श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया क्या जरूरत है नाचने की मस्जिद के सामने? अल्लाहु अकबर, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी और संघीय लोग जो होते हैं वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और कुछ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ठेका लेते हैं। ये टट्टू सहलाने वाले लोग होते हैं। सरकारी हिंदू जो हैं वही भैया मस्जिद पे पत्थर फेंक। पत्थरबाज कौन होते हैं? आरएसएस वाले होते हैं, उसी में से निकलते हैं ना आरएसएस के लोग। उन्होंने देख लिया ना, अच्छा मस्जिद है, उठाओ पत्थर और मार दो, दंगा भड़का दो। जो दंगाई लोग होते हैं उनका काम है दंगा भड़का। बिल्कुल अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है भैया इस देश में। मुसलमान पत्थर नहीं मारते हैं, कुछ हिंदू भी ऐसे होते हैं जो टोपी पहन ली अब पत्थर फेंके। जो भी पत्थर फेंके वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मिट्टी में मिलाइए। नकली हिंदू है इसलिए मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। देखिए हम सनातनी हिंदू हैं। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं। आप सुनिए सुनिए, शांत रहिए, सुनिए सुनिए सुनिए, शांत रहिए शांत रहिए शांत रहिए। प्रमाण पत्र दोगे? प्रमाण पत्र दोगे? अरे भैया ए ज्यादा बोले ना, कौन से भगवा का अपमान? अरे भगवा की जो गीता सुनाने लगेंगे तो ये बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े संगठन वाले भी आंसू बहाने लगेंगे। आज से पहले तक मैंने अनुराग ओझा का इतना भयानक रूप नहीं देखा था जो इस वीडियो में देखने को मिला है। आप भी देखिए कि उन्होंने क्या कहा। एकदम से अचानक से बौखला जाते हैं, पत्रकारों के साथ ऐसे ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं। क्या वो तो खुद देख लीजिए क्या कहेंगे। जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, आप जैसे ही जो भगवाधारी है वो मस्जिदों में घुसते हैं, आगजनी करते हैं। नहीं, हमारे जैसे भगवाधारी होंगे ही, वो भगवाधारी हैं। एक चीज़ बताइए भैया कि हम भगवा ओढ़ के, राम नामी चोला ओढ़ के और जाके हम मस्जिद पे पत्थर फेंकेंगे? किस ग्रंथ में लिखा है? रामचरितमानस हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं है। रामचरितमानस के किस कांड में, सात कांड है, किस कांड में लिखा हुआ है कि भैया शोभा यात्रा के दिन मस्जिद पे पत्थर फेंको? लिखा है किसी कांड में? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघीय लोग जो होते हैं वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और कुछ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ठेका लेते हैं। ये टट्टू सहलाने वाले लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की चाटू पर। हमने कभी भैया मस्जिद पे पत्थर नहीं फेंका, हमने कभी गुरुद्वारे पे, कभी चर्च पे और कभी मंदिर पे पत्थर नहीं फेंका। वो लोग दंगाई लोग होते हैं, आरएसएस और बजरंग दल के जो लोग होते हैं भैया। देखिए कट्टर होना ही नहीं चाहिए। कट्टर मतलब होता है ना काटने वाला। कट्टर हैं वो, कट्टर हैं। अरे एक असल वारिस हैं। सरकारी हिंदू जो हैं वही भैया मस्जिद पे पत्थर फेंकते हैं। मस्जिद पे एक चीज और क्या, सनातनी और सरकारी में दोनों में फर्क है। दोनों सा से ही शुरू होता है। जो सनातनी है वो तो भैया अपनी शोभा यात्रा निकालेगा, मौज मस्ती से जाएगा। जो सरकारी हिंदू होता है वो जानबूझ के मस्जिद के सामने मुजरा गाता है, ठुमका लगाता है। भैया ऐसे होते हैं हिंदू, बताइए। हिंदू की रक्षा के लिए वो सड़क पर शोभा यात्रा शांति से निकाल लेते हैं, पत्थरबाजी चला उसके बाद ही। अच्छा पत्थर पहले किसने फेंका था? पत्थर किसने फेंका था बताइए भैया? पत्थर इन्हीं के लोग होते हैं जो शामिल हो जाते हैं और यहाँ से उठाया फैट से फेंकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, आप हमें थप्पड़ मारोगे तो अब तो वाला जमाना है नहीं कि गांधी जी की तरह कह दो एक गल पे मारे दूसरा गल पे। एक मारोगे तो चार मारेंगे। भाई मुसलमानों की गलती कैसे हो सकती है? मैं आपके घर में आ जाऊँ, आपको मारने लगूँ तो आप क्या कहोगे? अरे बहुत बढ़िया कर रहे हो, जाइए जाइए जाइए। ऐसा नहीं होगा ना भैया। मोदी जी ने कहा था कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, कहा था ना। तो एक पत्थर फेंकोगे तो कोई 10 पत्थर फेंकेगा। बाकी भैया देखिए, राम में मेरी आस्था है और राम जी में मेरी बहुत आस्था है। मैं तो कहता हूँ मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ। लेकिन सुनिए भाई, देखिए मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, गुरुद्वारा। मैं भाईचारा कर रहा था, मैं इफ्तार में बैठा हुआ था। मैं तो कहता हूँ मैं वो थोड़ी हूँ कि हाँ पोंगा जैसे कर दो। नहीं जी, मेरे जैसा वो हो ही नहीं सकता। मैं कट्टर हिंदू हूँ, बीजेपी वाला हिंदू हूँ, आरएसएस वाला हिंदू हूँ, विश्व हिंदू परिषद वाला हिंदू हूँ, बजरंग दल वाला हिंदू। मैं नहीं भाई, मैं तो सनातनी हूँ। सनातनी हिंदू बनो। वो भाई दंगाई लोग हैं, दंगाई लोग हैं वो, किसी के भी हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाना पाप है। और ऐसे व्यक्ति को, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी धार्मिक पुस्तक को जलाता है तो उस व्यक्ति को जला देना चाहिए। पथराव वही तो हम क्या कह रहे हैं कि आप हमें मारोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। जाके पाँव न रहा है विवाही ते का जाने पीर पर आई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के चक्कर में लगे बिहार में आरजेडी का शासन और जेडीयू का शासन है, बंगाल में, गुजरात में किसका शासन है, महाराष्ट्र में किसका शासन? महाराष्ट्र में नहीं हुआ है पथराव, वहाँ पे भैया प्रशासन और वहाँ के कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में ए भैया सबसे ज़्यादा वीडियो कहाँ की वायरल हो रही है? महाराष्ट्र की हो रही है। देखिएगा उसको ध्यान से, देखिए वहाँ पे किसकी सरकार है? कांग्रेस की है, ममता बनर्जी की है भैया। का ओबीसी की सरकार है? का किसकी सरकार है बोलिए। तीन दिन से
आगजनी हो रही है बिहार के अंदर और बंगाल के अंदर, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का, तो उस पर सरकार को एक्शन, मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार इतनी नपुंसक तो नहीं हो गई है कि बोल नहीं पा रही है नीतीश बाबू को? अच्छा, बजरंग दल वालों को टांग, अमित शाह जी, अमित शाह जी आप टांग के मारोगे बजरंग दल वालों को? हिम्मत आपकी कैसे हो गई? एक शांत रहिए, शांत। होम मिनिस्टर किसने बना दिया उनको? होम मिनिस्टर, सुनिए, शांत रहिए। उनको होम मिनिस्टर आरएसएस और लोग मिलके बनाते हैं ना, बजरंग दल वाले और आरएसएस वालों को उल्टा टांग के मारेंगे? इतनी हिम्मत भैया किसकी हो गई बताइए? पत्थरबाज कौन होते हैं? आरएसएस वाले होते हैं, उसी में से निकलते हैं ना आरएसएस के लोग। एक चीज़ बताइए कि राम नाम भैया, एक चीज़ बता, ताजिया निकलती है ना आराम से? कोई ताजिया जो लेके जाते हैं पत्थर फेंकते हैं मंदिर के सामने से भी जाती होगी, गुरुद्वारे के सामने से भी जाती होगी, कभी नहीं हुआ ऐसा। और भैया हमारे सामने तो आई ही नहीं है। शोभा यात्रा मस्जिद में क्यों जाती है? नमाज पढ़ने? अरे भैया नमाज पढ़ने नहीं जाती है, लेके जा रहे हैं। उन्होंने देख लिया ना, अच्छा मस्जिद है, उठाओ पत्थर और मार दो, दंगा भड़का दो। जो दंगाई लोग होते हैं उनका काम है दंगा भड़काना। भय भैया माया के दीवानों, ऐसा काम न करो और राम का नाम तुम बदनाम न करो। अधिकतर मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं, आप कह रहे मुसलमानों की गलती, मैं क्या सुनूं पहले, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मुसलमानों को दबाया गया। 2014 से देख लीजिए कि ना मुसलमानों को जीने का अधिकार है। हे भैया कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं है, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में पठान में। बिल्कुल अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है भैया इस देश में। मैं डरा रहा हूँ, सरकार डरा रही है। भैया सुनिए, बड़े बड़े संगठन वाले क्या कहते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम नहीं कहते भैया, संगठन वाले कहते हैं, आए मुसलमानों को कहते हैं कि शांत रहोगे तभी फायदे में रहोगे। कहते हैं नहीं कहते हैं? खाइए भारत माता की कसम, नहीं कहते हैं। और मुसलमान भाइयों को ये समझना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन समझने को ही चीज़ है। किससे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या भैया मदरसे में पढ़ने वाला दंगाई निकलता है? अशफाकुल्ला खान को आप दंगाई कह रहे हो? आप पत्रकार हो या आतंकवादी हो बताइए? कलाम साहब को आप सुन सकते, आप बताइए। कलाम आए भैया, वहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, बढ़िया राष्ट्रवादी शिक्षा दी जाती है। आए भैया गए नहीं है, लेकिन सुना है हमने बहुत, हमने मुसलमानों का इतिहास पढ़ा है ना। अरे पढ़िए चाचा, मुसलमानों का इतिहास पढ़िए पहले, फिर टिप्पणी कीजिए, फिर पत्थर फेंके। मुसलमान पत्थर नहीं मारते हैं, पत्थर भैया मुसलमानों का, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ हिंदू भी ऐसे होते हैं जो टोपी पहन ली, अब पत्थर दंगा भड़का दो, वो है ना माचिस लगा दो, आग तो खुद ब खुद पकड़ लेगी। अच्छा एक चीज़ बताइए भैया, सुनिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश की एक चीज़ बताइए कि सरकार उड़ाती है, सरकार दबाती है, पत्रकार दिखाता है, पत्रकार ही छिपाता है। हिम्मत है किसी पत्रकार की उत्तर प्रदेश में सवाल पूछ ले? एक पत्रकार ने कुछ पूछा था भैया, उसको जेल में करवा दे, किसी की हिम्मत है? आप पत्रकार हो जाके दिखाइए उत्तर प्रदेश वाली सीन, उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं। अच्छा पत्थरबाजों को मिलाइए भैया, जो भी पत्थर फेंके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मिट्टी में मिलाइए। नकली हिंदू है इसलिए मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। ये भैया देखिए, हम सनातनी हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं। दिखाइए आके सामने, आइए सामने आके दिखाइए, सामने आके दिखाइए भैया। ये भैया ये वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के। आप सुनिए सुनिए, शांत रहिए, पहले शांत रहिए। प्रमाण पत्र दोगे? अरे भैया ए ज्यादा बोले ना, कौन से भगवा का अपमान? अरे भगवा की जो गीता सुनाने लगेंगे तो ये बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े संगठन वाले भी आंसू बहाने लगेंगे। काम मर जाते हैं वो लोग जब बिगनी पहन ली जाती है, कहाँ चले जाते हैं वो लोग? मुसलमानों पे बोलने पे आपकी जुबान सिल जाती है। अरे भैया कहाँ मुसलमानों पे, बताइए मुसलमानों पे अत्याचार होगा तो अनुराग बोलेगा नहीं? सच्चे सनातनी का और सच्चे ब्राह्मण का यही कर्तव्य होता है कि अल्पसंख्यकों को और दलित को और पिछड़े वर्गों को अगर दबाया जाए तो बोला जाए, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। जो सरकार आई थी, अच्छा मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुझे उपाड़ेंगे, वो तो गुंगी और बहरी बन के बैठ गई है। आए दिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आए दिन उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे भैया आप बताइए, महंगाई और बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? अरे कौन सा हमला हो गया, दिखाइए आके वीडियो दिखाइए। ए भैया वहाँ पे ये लिया ना भगवान, जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया क्या जरूरत है नाचने की मस्जिद के सामने?
एक चीज बता, शांत रहिए शांत। जब ताजिया निकलती है तो मंदिर के सामने कोई अल्लाह अकबर करता है भैया, बताइए। ए भैया, आप अगली बार से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन के आइए अगर इंटरव्यू लेना है तो। इस देश में अगर रहना है, भारत में अगर रहना है, तो जय सियाराम भी कहना होगा, अल्लाह अकबर भी कहना होगा, जय सियाराम कहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, वाहे गुरु जी कहना होगा, जय भीम भी कहना होगा, जय जवान जय किसान जय संविधान भी कहना। जय सियाराम बोलूंगा मैं तो, अल्लाह अकबर बोलूंगा मैं तो, वाहे गुरु बोलूंगा, तुम्हारे कहने से बोलूंगा। आए कौन सा भैया, अल्लाह अच्छा अच्छा मोदी जी कहते हैं अल्लाह अकबर जय श्री राम। भैया देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जितना चमकता है ना, लोग उस पर उतना ही ज़्यादा कीचड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। आप खान लिख दो, अहमद लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप मुसलमानों का इतिहास पढ़ लो, फिर मुझ पर कोई भी कमेंट पढ़ो। आप एक चीज़ बताइए कि जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अरे मुसलमानों का इतिहास पढ़िए। अशफाकुल्ला खान किसके लिए शहीद हुए थे? देश के लिए शहीद हुए थे। अरे पढ़िए उनका इतिहास। तुम क्या हो, तुम तो माफीनामा लिखने वाले हो, पत्थर फेंकने वाले हो। शांत रहिए भैया, ऐसी दलाली बंद कर दीजिए। ए मोदी जी बहुत हो गया, मोदी जी अब और नहीं आघात करो, और जो भी पत्थर फेंकने की बात करता है उसे लाल किले पे लटका दो, कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल एक सबका साथ। ए भैया 303 सांसद हैं, इनके बता दीजिए कितने मुस्लिम हैं उसमें से, बताइए। सबका साथ सबका विकास, सिर्फ जयशाह जी का साथ है, अडानी जी का साथ है, जयशाह जी का विकास है, पूरी जनता का सत्यानाश है। अच्छा अच्छा एक चीज बताइए भैया, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की बात करते हैं, सामने आइए और उसकी परिभाषा बताइए, सामने आइए और बताइए उसकी परिभाषा, नहीं मालूम है इनको। गिरिराज सिंह भाजपा नेता कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट बन रहा है, हिंदुस्तान में डर लग रहा है हिंदुओं को डर लग रहा है। ए भैया, ए चाचा, ए हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं, तो हमको तो पूर्ववर्ती सरकार ही लौटा दो। भाजपा की सरकार में हिंदुओं को डर लग रहा है? कैसे बन रहा है भैया, कैसे बन रहा है? संविधान में लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, किस? अरे भैया कहीं नहीं बना रही है, तो भैया सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ की सरकारों को टारगेट करने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। देश के तमाम मुस्लिम भाइयों से इन भाजपाइयों को और इन दंगाइयों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपको डर नहीं लगता? डर काहे लगेगा भैया, मुसलमानों से कौन सा डर भैया? अरे भैया ए सुनिए, ए भैया हम मुस्लिम इलाकों में भी घूमते हैं, कौन भैया हमारे ऊपर तो कोई पत्थर नहीं फेंक देता है। अरे भैया हुआ है भैया, आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, आपका घर कहाँ है? सुनिए घर कहाँ है आपका? ओखला। ए भैया ओखला, जामिया इस्लामिया सब पास में ही है, पत्थरबाजी होती है यहाँ? नहीं होती। तो भैया देखिए मैं क्या करूँ कि यहाँ पे नहीं होती, सबसे ज़्यादा मुसलमान इधर ही पाए जाते हैं। ठीक भैया, ये सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कहता हूँ कि भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं, मुसलमानों से ऐसे दंगाइयों को ऐसे भाजपाइयों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हाँ हाँ ऐसे बताते हैं, लेकिन ये भाई देखो गाना कोई भी गा देता है उस पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो कहते हैं जितने भी मुसलमान भाई हैं सब मानहानि का केस लगा दो उसका, एक कार लगनी चाहिए ना, तुरंत तो भावना आहत हो जाती है जी। मुसलमान भाइयों को लगाना चाहिए, मुसलमान भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी पिछड़े हुए हैं, शांत बैठे हैं, कोई लड़ लेगा। उकसा रहा हूँ। ए भैया सुनिए शांत रहिए। एक चीज़ अच्छा, आप मुझे दबाओगे और मैं क्या कहूँगा, जी मैं दब रहा हूँ, आप मुझे दबाओगे मैं जी दब रहा हूँ। अरे काहे दब रहे हो, 206 हड्डी आपके शरीर में है, 206 हड्डी हमारे शरीर में है, हिम्मत है तो मुँह तोड़ के जवाब दो, नहीं तो भैया अरे माफीनामा लिख दे। हैं भाई अगर मुसलमानों को दबाया जाएगा अनुराग उसके साथ। इस देश में हमेशा एकता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त था जब हम छोटे थे तो ये पढ़ा करते थे कि हमारा जो देश है वो भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर हर तरह के जाति और धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई और सब मिलकर रहते हैं। हमारा देश ऐसा देश है जिसमें कि बहुत सारे फूल खिलते हैं, यानी कि एक बगीचे की तरह हैं हम, जहाँ हर तरह का फूल खिलता है, और वहाँ पर हम जैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, यानी कि हर तरह के लोग हर धर्म और हर जाति के लोग रहते हैं, और सबका सम्मान होता है, सब हिंदू होते हैं मुस्लिम होते हैं सिख होते हैं, और किसी में किसी भी तरह का फ़र्क नहीं किया जाता।
ये आज से कुछ साल पहले तक हमने अपने बुक्स में पढ़ा है, अपने टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है कि ये सारी चीज़ें होती है धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं हमेशा ही चाहूँगी कि ऐसा ही बना रहे हमारा देश, और हमेशा ही लोग कहें कि हमारे देश में सबका सम्मान होता है, सबका विकास होता है, सबको एक नज़र से देखा जाता है। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।